हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल लर्न क्लास सेवेंथ फ्रॉम एमएल अग्रवाल, चैप्टर ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, एक्सरसाइज 10.5। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी के बारे में समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पाइथागोरस एक ग्रीक फिलोसफर थे, ठीक है। इन्होंने राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी दिया था, उसी को हम पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो उन्होंने क्या थ्योरम दिया था, तो उन्होंने बोला था कि राइट एंगल ट्राइंगल में, है ना, जैसे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देखिए यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो उन्होंने कहा था कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटिनियस होगा हमारा, उसके स्क्वायर, उसका जब हम स्क्वायर करते, यानी कि हाइपोटिनियस का स्क्वायर हम करेंगे, तो वो इक्वल होगा सम ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आप समझ लीजिए हम हाइपोटिनियस किसे कहेंगे। तो देखिए यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो जहाँ पे आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है, उसके जस्ट जो सामने साइड होगा उसे हम हाइपोटिनियस कहते हैं, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस बन गया, ठीक है। तो उन्होंने, देखिए उनका लिखा हुआ है यहाँ बुक में भी आपके, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटिनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, क्लियर। इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए कि अभी बुक में आपको दिखाया था यहाँ पे स्क्वायर बने इधर, है ना। अगर मान लो आपने 90 डिग्री यहाँ आपने बना दिया है, इसे आपने राइट एंगल ले लिया, तो यहाँ इस फिगर के अनुसार हमारा हाइपोटेन्यूस कौन होगा, तो इसके ठीक सामने ये लाइन है, तो ये हाइपोटेन्यूस कहलाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपने इसे 90 डिग्री लिया यहाँ पर, है ना, तो 90 डिग्री के ठीक सामने जो साइड आएगा वही हाइपोटेन्यूस होता है, तो इसके सामने ये साइड आ रहा है तो ये हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हाइपोटेन्यूस किसे, कौन से पार्ट को हम बोलेंगे। तो इसके लिए फार्मूला दिया था पाइथागोरस ने, तो फार्मूला था हमारा एच स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हम करेंगे तो सम ऑफ, सम यानी कि प्लस, तो परपेंडिकुलर पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसी फार्मूले पे हम एक्सरसाइज 10 पॉइंट सॉल्व करने वाले हैं, ओके। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट पी, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, कह रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसका नाम पी क्यू आर है, ठीक है। पी राइट एंगल यानी कि जहाँ पे पॉइंट पी हम लेंगे वो 90 डिग्री बनेगा, पी क्यू 10 सेंटीमीटर, पी आर 24 सेंटीमीटर, फाइंड क्यू आर, तो हमें क्यू आर निकालने हैं, ओके। तो आइए पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं, पी को हमें राइट एंगल रखने हैं, ठीक है। तो जैसे एक ट्राइंगल मैंने बना लिया है, अब हमें P पॉइंट 90 डिग्री देने हैं, तो यहाँ 90 डिग्री मेरा बन, मैं ले रही हूँ, तो इसे हम P नाम दे देंगे, एंड Q और आप कहीं भी लिख सकते हैं दोनों में से, मैं Q इसे यहाँ ले रही हूँ और R ये हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि पी क्यू 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर एंड पी आर 24 सेंटीमीटर, क्लियर। ये 24 सेंटीमीटर हो गया, तो और क्यू आर का लेंथ हमें निकालने हैं। तो आइए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्यू पी आर, ठीक है। अब देखिए मैंने क्यू पी आर क्यों दिया, पी हमारा 90 डिग्री, आप हमेशा ध्यान रखना जो राइट एंगल हमारा बन रहा है वो हमेशा सेंटर में लिखेंगे हम, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्यू पी आर लिखा, आप इसे आर पी क्यू भी लिख सकते हो, बट याद रखना कि पी हमेशा सेंटर में लिखेंगे हम, ठीक है। तो पहले जो गिवन हम लिख लेते हैं, एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री, पी क्यू ये हो गया 10 सेंटीमीटर, पी आर 24 सेंटीमीटर एंड क्यू आर हमें निकालने हैं, क्यू आर इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो हम पाइथागोरस थ्योरी यूज करेंगे, लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, है ना, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो उसमें क्या होता है, फार्मूला भी हमने देखा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ राइट एंगल है, इसके सामने ये साइड है, तो क्यू आर हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया। तो हम लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ये पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम लिख देंगे, क्यू आर तो हमें निकालने हैं, तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, तो पी क्यू हमारा 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ठीक है। तो 10 स्क्वायर कितना हो गया, 100,
प्लस 24 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 576, ठीक है, दोनों को ऐड किया तो आ जाएंगे हमारे आंसर 676। अब यहाँ देखिए ये क्यू आर स्क्वायर है, ठीक है, बट हमें ओनली क्यू आर चाहिए, ओके, तो हम यहाँ क्यू आर लिख लेंगे। क्यू आर इक्वल टू, अब सिर्फ स्क्वायर हम हटा रहे हैं, जब स्क्वायर हटाएंगे तो 676 को हम रूट के अंदर डाल देंगे ऐसे, फिर इसका रूट निकाल लेंगे। तो 676 का रूट, जब स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो आता है 26 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि क्यू आर ये हो गया 26 सेंटीमीटर, ये निकल गया। अब देखो आप स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे ये मैं आपको एक बता देती हूँ, ठीक है। तो ये हम एलसीएम के थ्रू निकालते हैं, जैसे 676 है इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो पहले हम 2 से निकालते हैं, तो ये हो गया हमारा 338, अगेन 2, तो बन जाएगा 169। अब हम 13 से इसे डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम्स में होगा, फिर 13 से करेंगे तो 1, ठीक है, हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों 2 में से एक 2 हमने ले लिया, ये दोनों 13 में से एक 13, यानी कि 2 × 13 = 26, है ना। तो ये हमारा स्क्वायर रूट हो गया किसका, 676 का। तो आगे ऑल क्वेश्चंस में आप इसी तरह से स्क्वायर रूट डालना और उसका आप एलसीएम निकाल लोगे तो हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्लियर। अब क्वेश्चन 2 देखिए, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी है, राइट एंगल एट सी, सी पे राइट एंगल है। तो देखिए मैंने ट्राइंगल एक बना लिया है ए बी सी, ठीक है, सी को राइट एंगल बोला जा रहा है, तो देखिए सी को मैंने राइट एंगल ले लिया है ना, ये राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, क्लियर। अब कर रहा है ए बी 25 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर, फाइंड बी सी, ठीक है। तो हमें बी सी निकालने हैं, ए बी एंड ए सी दिया है, तो आइए सॉल्व करते इसे, जैसे 1 किया था उसी तरह से 2 करेंगे, ओके। तो फ्रेंड्स ए बी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ए सी हमें 7 सेंटीमीटर दिए हुए हैं और बी सी हमें निकालने हैं, तो आइए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हम पहले लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है। अब देखिए सी हमारा 90 डिग्री है, तो यहाँ हम सी को बीच में रखें ना, राइट एंगल ट्राइंगल सी है, तो इसलिए इसे हम सेंटर में लिखें। अब जो गिवन है लिख लेंगे, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड ए सी 7 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी हमें निकालने हैं, ओके। तो देखिए हाइपोटेन्यूस हमारा क्या, राइट एंगल के सामने, ये राइट एंगल, इसके ठीक सामने ए बी है, तो ए बी हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर, है ना। जैसे चलिए फार्मूला यहाँ लिख देती हूँ पहले मैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, है ना। तो किस प्रॉपर्टी से, तो वो भी नाम लिख देंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए, अब हाइपोटेनियस ये हुआ, परपेंडिकुलर पी होता है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये बेस कहलाता है, ठीक है, तो बी बी फॉर बेस, ठीक है। आइए अब सॉल्व करते हैं, तो एच हमारा 25 है, तो लिखेंगे 25 का स्क्वायर इक्वल टू, पी हमारा 7 स्क्वायर है, तो 7 स्क्वायर प्लस बी, बेस हमारा बी सी है, तो यहाँ हम लिखेंगे बी सी का स्क्वायर, ओके। तो 25 × 25 ये हो गया 625 = 77449 प्लस बी सी का स्क्वायर, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम बी सी को इस साइड ले लेंगे, बी सी स्क्वायर इक्वल टू 625 लिख लेंगे, 49 प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, -49। अब इन दोनों को माइनस कीजिए तो हो जाएगा हमारा 576 बी सी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। तो हमें ओनली बी सी चाहिए, है ना, बी सी स्क्वायर है, स्क्वायर में हमें नहीं, हमें बी सी चाहिए, तो बी सी इक्वल टू, जब बी सी निकालेंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में स्क्वायर हम हटाएंगे तो 576 को स्क्वायर रूट के अंदर डाल देंगे, स्क्वायर ये साइन दे दीजिए स्क्वायर का, और इसके अंदर हम डाल देंगे 576, ठीक है, स्क्वायर रूट में डाल दिया, फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 576 का, एलसीएम जब निकालोगे आप तो हमारा स्क्वायर आएगा, रूट स्क्वायर रूट हो गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर रूट हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया।
तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर। क्लियर, अब तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो फ्रेंड क्वेश्चन 3 में हमें x की वैल्यू निकालिए। फिगर आपको बुक में दे रखा है जिसमें हमें x निकालने हैं, ठीक है। तो इस फिगर को आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ 29, 21 एंड ये x है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूस हमें निकालने हैं, एक निकालने हाइपोटेन्यूस। हम तो यहाँ 90 डिग्री हम किसे रखेंगे, तो मान लीजिए इसे मैंने सबसे हाइपोटेन्यूस कौन होगा, याद रखना आप हमेशा हाइपोटेन्यूस हमेशा जो ग्रेटर नंबर होता है वो हाइपोटेन्यूस कहलाएगा। तो यहाँ देखिए 21, 29 x, तो इसमें सबसे बड़ा कौन नंबर है 29, तो इसीलिए 29 हमारा हाइपोटेन्यूस कहलाएगा। तो जब हम 90 मानेंगे राइट एंगल तो ये आ जाएगा, है ना। बट यहाँ नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, इसे ऐसे ही हम सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, है ना, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमेशा हाइपोटेन्यूस जो ग्रेटर नंबर होता है वो होता है, तो 29 ग्रेटर है, तो इसीलिए हम यहाँ लिख लेंगे 29 का स्क्वायर इक्वल टू पी एंड बी, है ना। यहाँ आप किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पी को मैं एक्स ले रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बेस को मैं 21 ले रही हूँ, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर, अब 29 स्क्वायर, 29 मल्टीप्लाई 29 करेंगे तो हो जाएगा 841 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441। अब ये एक्स स्क्वायर आ गया, इसे मैं इधर ले लूँगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगेन 841 लिखेंगे, ठीक है। और इक्वल टू के बाद माइनस हो जाएगा तो माइनस का साइन, और ये 441 माइनस कर देंगे तो माइनस करने के ये हो जाएगा हमारा 400, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400 आई और हमें स्क्वायर हटाने हैं तो ओनली एक्स लिखेंगे, और एक्स लिखेंगे जब स्क्वायर हटाएंगे तो 400 रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका जब आप रूट स्क्वायर हम निकालेंगे 400 का तो आ जाएगा 20, क्यों, क्योंकि 20 मल्टीप्लाई 20 कितना होता है 400, ठीक है। तो 20 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू 20, यानी कि ये जो x है इसकी लेंथ कितना हो गई, ये 20 इसका लेंथ हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था, आइए अब इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमारा सेकेंड फिगर है, एक बिग ट्राइंगल है जिसका नाम मैंने दे दिया ABC, ठीक है। तो एक ट्राइंगल है, अब इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है या इसे बाइसेक्ट बोल लीजिए, ठीक है। तो BC पे AD इसका नाम मैंने D रख दिया, ठीक है। ये 37, 37, ये 12 और यहाँ 90 डिग्री राइट एंगल बन रहे हैं। आइए मैं इसे बना के फिर आपको आपके सामने में दिखाती हूँ। ये हमारा बुक में फिगर दे रखा है, ठीक है। तो ये बुक में जो है फिगर वही है, अब हम इसका नाम लिख लेते हैं। तो इसका नाम मैंने दे दिया यहाँ ABC, ये एक ABC ट्राइंगल हो गया। अब यहाँ A और ये लाइन, इसका नाम D रख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ AD परपेंडिकुलर है BC पे, या ऐसे आप समझ लीजिए कि BC लाइन को AD बाइसेक्ट कर रहा है, ना। जैसे कोई लाइन होती है, एक लाइन है, ठीक है, जैसे एक लाइन है तो उस पर बाइसेक्ट कैसे होता है, बाइसेक्ट का मतलब हाफ हाफ करना, है ना। यानी कि ये जो लाइन आ रही है इस लाइन को दो बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि AD BC को दो बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पे और x की वैल्यू हमें निकालनी है, x कहाँ से कहाँ तक है, B से C, है ना। यानी कि यहाँ से B से लेकर C के बीच का टोटल लेंथ हमें निकालना है कि ये कितनी बड़ी लाइन है, है ना, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है, वो x है। तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो हाइपोटेन्यूस हमारा ये AB हाइपोटेन्यूस हो गया। तो हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर दिए हुआ है, हमें बेस निकालने हैं, ठीक है। अब देखिए अब अगर इस ट्राइंगल को हम छुपा लेंगे तो एक इधर ट्राइंगल बन रहा है ADC, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया, D पे इस साइड भी 90 डिग्री बन रहा है ना, ये 90 डिग्री यहाँ बन रहे हैं D पे क्योंकि सीधी लाइन जा रही है ऐसे। तो यहाँ भी ये 90 डिग्री बन रहा है, इसके सामने ये हाइपोटेन्यूस 37, ये 12, है ना। तो यानी कोई एक ट्राइंगल, दोनों में से कोई एक ट्राइंगल हम निकाल लेंगे तो दूसरे ट्राइंगल में भी सेम वही पार्ट आ जाएंगे, फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें से कोई भी एक ट्राइंगल हम सॉल्व कर लेंगे, पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, है ना, ABC ट्राइंगल में क्या है वो लिख लेते हैं पहले। तो AD परपेंडिकुलर
टू बी सी, ठीक है। ये ए डी बी सी पे परपेंडिकुलर है, उसे बाइसेक्ट कर रहा है दो भागों में, तो वो हम लिख लिए, ठीक है। ए बी इक्वल टू 37, ए सी इक्वल टू भी 37 है, ठीक है, और ए डी इक्वल टू 12, ठीक है। तो आइए अब हम एक राइट एंगल ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ए डी बी है ना, ये राइट एंगल लेकर सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपका राइट एंगल बना रखा है क्वेश्चन में, इसी एंगल को हम ले लेते हैं ट्रायंगल को। तो लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए डी बी, ओके। तो ए डी बी में एंगल डी 90 डिग्री है, ओके, और ये तो हमने लिख लिया ए बी एंड ए डी इक्वल टू यहाँ पे। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरी यूज कर लेते हैं, ये हाइपोटेन्यूस ए बी है, तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। किस विधि से, तो वो भी लिख लेंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ओके। तो ए बी हमारा 37 है, 37 का स्क्वायर इक्वल टू ए डी हमारा 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस बी डी हमें फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे बी डी स्क्वायर। तो 37 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1369 इक्वल टू 12 का हो गया स्क्वायर 144 प्लस बी डी का स्क्वायर, क्लियर। तो बी डी को इस साइड रख लेते हैं, इक्वल टू 1369 और ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू के बाद, तो 144 ये हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1225, ठीक है, बी डी स्क्वायर, और हमें ओनली बी डी चाहिए, तो सिंपल है, इसे हम रूट के अंदर डाल लेंगे, तो रूट 1225 हो गया, ठीक है। अब इसका रूट स्क्वायर रूट निकालिए, तो स्क्वायर रूट आता है 35, ठीक है, और क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक्स की वैल्यू हमें सेंटीमीटर में निकालनी है, तो ये एक्स हम 35 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो बी डी इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, देखिए बी से डी ये हो गया हमारा 35 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो ट्राइंगल है, यहाँ 37 12, यहाँ भी 37 12, तो निश्चित है कि ये डी और सी भी हमारा 35 ही होगा ना। तो देखिए बी डी 35 डी सी 35 और टोटल कितना हो जाता है, हाफ हाफ हो गया, दोनों को प्लस कर दीजिए तो हमारा एक्स की वैल्यू निकल जाएगा, तो हम यही लिख लेंगे, इसलिए टोटल लेंथ है ना, टोटल लेंथ कौन हमारा एक्स, टोटल लेंथ एक्स इक्वल टू 35 प्लस 35 या 2 × 35 भी कर सकते हैं, इक्वल टू 70 सेंटीमीटर आंसर, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारा क्या हो गया 70 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। आइए अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, तो यहाँ देखिए ये थर्ड फिगर हमारा है ना, ये दो ट्राइंगल इसमें दे रखे हैं, एक का राइट एंगल यहाँ एक का यहाँ, ठीक है। तो आइए पहले हम इसका नाम दे ले नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी, ओके। अगेन इसे मैं डी ले लेती हूँ और ये हमारा ई बन गया। तो अब हम यहाँ देखें, यहाँ पहले इसे पहले वाले फिगर में क्या था हमारा, एक कॉमन था है ना, ये जो परपेंडिकुलर एक ट्राइंगल में ये हमारा कॉमन हो रहा है परपेंडिकुलर दोनों ट्राइंगल में, ठीक है। तो इसीलिए हम एक ट्राइंगल सॉल्व कर लिए तो दूसरे का आंसर भी आ गया, बट इस फिगर में कॉमन नहीं है तो हमें दोनों ट्राइंगल अलग अलग सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो आइए अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो पहले एक ट्राइंगल को कर लेते हैं, ले लेते हैं हम ए बी सी ट्राइंगल में ले रही हूँ, तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी में क्या है लिख लेते हैं, गिवन है वो ए बी इक्वल टू 12, ए सी इक्वल टू 13 एंड एंगल बी ये है 90 डिग्री, क्लियर। तो ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनियस हमारा कौन बन रहा है, देखिए इसके ठीक सामने ये लाइन आ रही है, यानी कि ए सी हाइपोटेनियस है, तो हम ए सी का स्क्वायर कर लेंगे, तो लिखेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना, नाम लिख लीजिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ डाल दीजिए आप, तो ए सी का हमारा है 13 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी निकालने हैं 13 का स्क्वायर हम करेंगे
तो हो गया 169 इक्वल टू 12 का 144 होता है प्लस बी सी स्क्वायर। अगेन बी सी को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ तो इक्वल टू 169 माइनस 144, दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 25 और हमें सिर्फ बी सी चाहिए, तो अब हम लिखेंगे बी सी इक्वल टू रूट 25 और 25 का तो स्क्वायर इजी है, 5 5 जा 25, तो बी सी इक्वल टू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए बी सी हमारा 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ट्राइंगल हो गया, अब हम सेकेंड ट्राइंगल बनाते हैं ना, ई डी सी, इसे अब सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे नाउ इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ई डी सी, डी को सेंटर में रखेंगे क्योंकि ये डी 90 डिग्री बन रहा है, तो इसमें अब जो गिवन है लिख लेते हैं, ई सी इक्वल टू 10, ई डी इक्वल टू 6। ठीक है, एंड एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए इस ट्राइंगल में यहाँ 90 डिग्री है, तो इसका हाइपोटेनियस कौन है, ठीक इसके सामने, यानी कि ई सी हमारा हाइपोटेनियस है। तो हम लिखेंगे ई सी का स्क्वायर, आइए लिखते हैं, लिखेंगे ई सी का स्क्वायर इक्वल टू ई डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओके, अब वैल्यू लिख लेंगे सबका, 10 स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू 6 6 36 प्लस सी डी स्क्वायर। फिर हम सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे सी डी स्क्वायर की, तो ये हो गया हमारा 100 माइनस 36, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 64। ओके, तो सी डी स्क्वायर इक्वल टू 64 और हमें सिर्फ सी डी चाहिए, तो एज यूजुअल क्या करेंगे हम, है ना, रूट के अंदर रूट 64 हो गया, तो सी डी हमारा कितना आ जाएगा 8 8 जार 64, तो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सी डी हमारा 8 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ देखिए इस फिंगर सी डी हमारा ये 8 सेंटीमीटर। अब एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 प्लस 8, एक्स की वैल्यू निकल गई, तो आइए एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो बी डी हमारा क्या है, बी डी इक्वल टू एक्स, है ना, बी डी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा हम बी सी प्लस सी डी। ठीक है, बी सी है 5 प्लस 8 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आंसर, है ना, सेंटीमीटर में आंसर देने हैं तो 13 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 4 हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये 3 पार्ट में क्वेश्चन है। ये आपको साइड्स दिए हुए हैं, पूछा जा रहा है कि ये तीनों साइड्स मिलकर के क्या राइट एंगल ट्राइंगल का साइड है या नहीं, हमें वो बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आप समझ लीजिए, पहले क्वेश्चन को हमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करने हैं। पाइथागोरस में क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का सम, है ना। तो यहाँ भी हम एक हाइपोटेनियस का स्क्वायर करके दोनों को बचे हुए साइड को स्क्वायर में ऐड करेंगे, अगर इक्वल आंसर है तो साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होगा, अनइक्वल आता है तो नहीं बनेंगे। ओके, दूसरी बात यहाँ याद रखने वाली है कि अब यहाँ नंबर दिया है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनियस हम किसे लेंगे, तो पिछले क्वेश्चन में भी पीछे क्वेश्चन में भी बताया जो ग्रेटर नंबर होगा वही हमारा हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ देखिए 4 5 7, ग्रेटर कौन है 7, तो ये 7 हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम फार्मूला लिख लेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी से, तो एच हमारा 7 हो गया, ये 7 ग्रेटर नंबर है, तो 7 स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, आप किसी को भी ले सकते हो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर में मैं यहाँ 4 ले रही हूँ, आप 5 भी ले सकते हो। ठीक है, प्लस 5 स्क्वायर, तो 7 7 जार 49 इक्वल टू, ये हो गया हमारा 16 प्लस 25। ठीक है, फिर लिखेंगे हम 49 इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो हो गया 41। अब यहाँ देखिए 49 इक्वल टू 41 है नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो अनइक्वल होता है तो कौन सी साइन है, इक्वल के साइन को ऐसे कट कर दीजिए, तो ये हमारा नॉट इक्वल टू आ गया, तो ये साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होंगे। तो हम लिखेंगे
49 not equal to 41? So these are not sides of right angled triangle. ओके आइए अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं. अब इसमें देखिए 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हाइपोटेनियस हमारा कौन होगा? जो ग्रेटर होगा. तो ग्रेटर कौन है? 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हमारा ग्रेटर नंबर है, तो हम इसे ही लिख लेंगे. पहले 2.5 का स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर, है ना, किस प्रॉपर्टी से? तो वो लिख लेंगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी. ठीक है, तो 2.5 का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर 625 होता है. ठीक है, और यहाँ पॉइंट लग जाएगा इक्वल टू 4 प्लस 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अगेन 15 × 15 2.25. ठीक है, अब यहाँ देखिए पॉइंट हमने कैसे लगाया, इसे आप समझ लीजिए. जैसे 2.5 × हम 2.5 करेंगे तो आंसर होगा 625. ठीक है, पॉइंट कैसे लगाएं? देखिए पॉइंट के बाद इधर एक नंबर, यहाँ यानी कि 1, 2 दो नंबर है, तो राइट हैंड साइड से आंसर में 2 डिजिट काउंट करेंगे, 1, 2 यहाँ पॉइंट. ठीक है, तो आप समझ गए पॉइंट हम कैसे लगाते हैं मल्टीप्लीकेशन में. तो अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 6.25 इक्वल टू 4 प्लस 2.25, ये भी हो गया हमारा 6.25. तो देखिए दोनों आंसर इक्वल आ गए, तो हम लिखेंगे यस दीज आर साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. ओके, ये बन रहा है ट्राइंगल, तो ये सही है. अब इसी तरह से इसमें हम कर लेते हैं, तो इसमें बिग नंबर कौन है? थर्ड में हमारा 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस हो जाएगा. तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर इक्वल टू 5.6 स्क्वायर प्लस 4.2 का स्क्वायर दे देंगे. 7 × 7 = 49 इक्वल टू 5.6 का स्क्वायर हो जाएगा 31.36 प्लस 4.2 का स्क्वायर 17.64. ओके, अब दोनों को ऐड कीजिए तो हो गया 49 इक्वल टू 49.00. अब देखिए डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है, तो यानी कि 49 इक्वल टू 49 आ गया हमारा, तो ये भी बनेगा. तो लिखेंगे यस दीज आर ऑल्सो साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. वो क्या कह रहा है? फाइव, अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीचेज अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड. अब देखिए एक 15 मीटर लंबा लैडर है, लैडर यानी कि सीढ़ी जो विंडो तक जाती है. ठीक है, जो विंडो ग्राउंड से विंडो तक जाती है, तो ग्राउंड से विंडो की हाइट कितनी है? 12 मीटर. ठीक है, इट अगेंस्ट अ वॉल, हाउ फार द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल. तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं. और आए कि एक विंडो है, तो विंडो कहाँ हमारा होगा? हमारे घर में विंडो होते हैं, तो देखिए एक घर मैंने बना लिया, यहाँ विंडो है. ठीक है, यहाँ विंडो पे आप खड़े हो. ओके, और ये आपका दरवाज़ा बाहर से लॉक है. तभी मान लो आपका फ्रेंड आ रहा है आपको, ठीक है, आपको एक आपकी नोटबुक वापस करने, जो इम्पोर्टेंट है, हर हाल में आपको चाहिए. तो हम कैसे आपका फ्रेंड आपको देगा? दरवाज़ा तो बाहर से लॉक है. तो आपका फ्रेंड एक लैडर लाता है और विंडो तक लैडर पहुँच लगाता है ना. एक लैडर, ये लैडर है, ये ग्राउंड है, लैडर तो ग्राउंड से ही लगाएंगे ना. तो ये मान लीजिए ये लैडर लगा दिया उसने, है ना, और ये फ्रेंड आपका वहाँ आप तक पहुँच गया. ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि जे लैडर से आप विंडो तक, तो वो लैडर कितना लंबा है? तो 15 सेंटीमीटर है. ठीक है, 15 सेंटीमीटर. और अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्राउंड से विंडो की हाइट ऊँचाई, है ना, ये ग्राउंड ये है, यहाँ से विंडो कितना ऊँचा है? तो ये 12 मीटर ऊंचा है. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि लैडर के लेंथ 15 है, विंडो ग्राउंड से विंडो कितनी ऊंचाई पे? 12 की ऊंचाई पे. अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि लैडर का फुट ग्राउंड से कितनी दूरी पे है. तो लैडर का फुट यानी कि ये विंडो फुट यानी यही हुआ ना, नीचे का हिस्सा जहाँ पे ग्राउंड पे टच कर रहा है. तो यहाँ हमारा वॉल है, तो वॉल से इसकी डिस्टेंस हमें बतानी है. और वॉल हमेशा स्ट्रेट सीधा बनता है, तो 90 डिग्री हमारा कहाँ बनेगा? ये 90 डिग्री है. ठीक है, तो इसके ठीक सामने हाइपोटेनियस हमारा ये हो गया, तो इसी का हम नाम ले लेंगे, ए बी सी नाम दे दीजिए और आप इसे सॉल्व आउट कर लेंगे. क्लियर, तो देखिए यहाँ एक ट्राइंगल हमारा ये बन गया,
है ना, लैडर तो हम सीधे दीवार पे ऐसे सीधी लैडर लगा के तो हम नहीं सीधा चढ़ सकते ना, ये तो हमेशा हम कहीं भी लैडर से जब चढ़ेंगे तो थोड़ा सलेंटिंग रखना होता है। तो देखिए सलेंटर, जब इतना हम ट्राइंगल का शेप आ गया, इतनी ही फिगर, ये पीछे का आप हटा दीजिए, बस इस फिगर को मैंने अलग यहाँ बना दिया। सेम इसी तरीके से देखिए, ये हमारा वॉल हो गया, ठीक है, ये लैडर हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया, क्लियर। तो आइए अभी से हम सॉल्व करते हैं, अब आसानी हो गई होगी समझने में, आइए अभी से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, बी हमें 90 डिग्री है तो ये हम सेंटर में रखेंगे, ओके। तो लिखेंगे पहले एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ए सी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ए बी हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी हमें निकालने हैं। तो आइए अब हम लिख लेते हैं, तो हमारा हाइपोटेनियस कौन हो गया, ए सी, राइट एंगल का ठीक सामने, तो लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू लिख दीजिए, ए सी हमारा 15 है, 15 स्क्वायर इक्वल टू ए बी है 12 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 इक्वल टू 144 प्लस बी सी स्क्वायर, ओके। तो अब हम यहाँ बी सी स्क्वायर इस साइड ले लेंगे, तो हो गया 225 माइनस 144, दोनों को माइनस कीजिए तो आ जाएगा हमारा 81, तो बी सी स्क्वायर 81 हो गया, और हमें ओनली बी सी चाहिए, तो हम लिखेंगे बी सी इक्वल टू रूट 81, ठीक है, और 9 9 जार 81, यानी बी सी हमारा 9 सेंटीमीटर। तो देखिए बी सी हमारा कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम यही आंसर लिख देते हैं, हेंस द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया।